प्रसाद साहब, आप तो मेरे मुंह के अल्फाज छीन लिए। यही तो हम सुनना चाह रहे प्रधानमंत्री से। यही तो मोदी सरकार को बोलना पड़ेगा कि बीजेपी की गवर्नमेंट भारत में है, उनकी पॉलिसी क्या है इसके ऊपर, वो बताए ना। वो ही नहीं पूछना चाह रहे। भारत का प्रधानमंत्री तो मैं नहीं हूं ना। ये सवाल आपका बहुत सही है। ये भारत के प्रधानमंत्री और उनके सरकार को इस सवाल का जवाब देना पड़ेगा। आपके सवाल बड़े बुनियादी है। नहीं नहीं नहीं, अरे भाई, मैं प्रधानमंत्री तो मैं नहीं हूं ना। अरे देखिए, भारत सरकार की पॉलिसी क्या हम सुनना चाह रहे हैं। जहां तक तालिबान के लीडरशिप जो है, उसमें से जो टॉप 10 में से कई लोगों को यूनाइटेड नेशन ने अपने रेजोल्यूशन से उनको टेररिस्ट करार दिया है। अब उनको डिडेजिग्नेट करना पड़ेगा। तो भारत सरकार अगर आएगा तो करेगी नहीं करेगी, मेरा सवाल आपसे, क्योंकि आप मोदी सरकार की तर्जुमानी कर रहे हैं। अरे बात तो सही है ना प्रसाद साहब, आप जब कह रहे हैं तो हम तो वही पूछना चाह रहे हैं। ये तालिबान के कई लीडर्स जो है, उनके ऊपर यूनाइटेड नेशन के सैंक्शंस है, उनको डिडेजिग्नेट करना पड़ेगा। तो क्या चीन करेगा? भारत तो सिक्योरिटी काउंसिल का भी फिलवक्त चेयरमैन है। और फिर सुनिए, दोहा में हमने उनसे एक हेलो हाय किया, पूरी तरह नहीं किया। 2020 में हमने एक अनऑफिशियल एजेंसी से उनसे बातचीत की। यही तो हम जानना चाह रहे कि आपकी क्या पॉलिसी है। प्रधानमंत्री ने, सुनिए, प्रधानमंत्री ने काबुल जाकर, आपके चैनल पर दिखाया गया कि गनी के साथ आपने पार्लियामेंट का उद्घाटन किया और भारत के प्रधानमंत्री ने स्पीच भी दी। वो पार्लियामेंट में अब क्या होगा? 700 करोड़ की पार्लियामेंट है। $3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट हमने रिकंस्ट्रक्शन में किया अफगानिस्तान में। वो $3 बिलियन का क्या है? क्या हुआ? क्या देश जाना नहीं चाहेगा? सलामा डैम हमने बनाया, वहां के बच्चों को स्कॉलरशिप दी, छाबार पोर्ट का मामला है। ये तो सब सुनना पड़ेगा ना, उनसे ही सुनेंगे। लेकिन आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, आप भी इसके ऊपर राय रखते हैं। हाँ, बोल दिया ना, मेरी राय बोल दिया हूँ मैं आपको। नहीं नहीं, आपकी राय बोलिए आप। क्या अपनी राय, अपनी, अरे अपनी, असदुद्दीन 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 ओवैसी ही था जिसने 2013 से ये कह रहा था ये बात को। आप लोग सुनने तैयार ही नहीं थे। आप लोग आप लोग इतने विज्ञान है, इतने आप लोग विजडम आप में, कि आप सुनने तैयार नहीं थे। आप तो हंसी उड़ाते थे, आप तो मजाक उड़ाते थे मेरा पार्लियामेंट में, आप तो मुझे गाली देते थे। अब देखिए, अब इसका कौन जवाब देगा? अच्छा, मोदी जी इतना अमेरिका के करीब हो गए थे, वही अमेरिका सब बंद भाग के भाग गया। हमारे 4 कॉन्सुलेट थे, क्यों बंद हो गए बताइए? एक एम्बेसी के साथ कौन जिम्मेदार है उसका? क्यों नहीं हमने जाने से पहले एयरपोर्ट में एक रूम क्यों नहीं लिया हमने, जो दूसरे सरकारें कर रही हैं? यही तो सवालात हैं जिसका जवाब हम चाहते हैं प्रधानमंत्री से। वो प्रधानमंत्री है ना, उनको बताना पड़ेगा देश को कि $3 बिलियन भारत का पैसा वहां पर सर्व करने के बाद ये सब क्या हुआ। आप कह रहे हैं कि आपने पहले सरकार को बताया था कि हमको बातचीत करनी चाहिए इसके। नहीं नहीं नहीं, मैंने सुनिए, किस तरह से सुनिए सुनिए, मैंने पार्लियामेंट में ये सवाल उठाया था कि क्या आप ये करेंगे, आपकी पॉलिसी क्या है। आपने जवाब नहीं दिया। मैंने आपको बाखबर किया, मैंने आपको कॉशन किया, तो आप सुनने तैयार नहीं थे। आज वो हकीकत बन चुकी है ना। तो इसमें आपका प्रॉब्लम क्या है आपके चैनल का, कि आप ये चाह रहे हैं कि रात के 9 बजे बैठकर ओवैसी, ये वो मैं होने नहीं दूंगा। आप ये नहीं, सुनिए, आप ये पूछिए कि ओवैसी ने पार्लियामेंट में कहा था नहीं कहा था, बताइए आपने क्या किया। ओवैसी ने कहा था कि आप क्या कर रहे हैं, आप उसका जवाब नहीं देते। ओवैसी ये बोल रहा है कि भाई $3 बिलियन आप भारत का पैसा वहां पर खर्चा किए। अब उस पार्लियामेंट में कौन बैठेगा? वो सलामा डैम का क्या होगा? वो जो बच्चों को हमने स्कॉलरशिप पे बुलाया था, ये सब क्या हुआ? इसका नतीजा क्या निकला? ये किस स्टेट सवाल है सर? तालिबान को आप रिस्क ऑर्गेनाइजेशन मानते हैं? भारत को उनसे डरना चाहिए या फिर क्या करना चाहिए? देखिए, भारत सरकार ये बखूबी जानती है, असदुद्दीन ओवैसी भी जानता है कि जितने तालिबान के लीडर्स हैं अभी,
उसमें से बहुत से ज्यादा पर यूनाइटेड नेशन ने उनको एज अ टेररिस्ट डिक्लेयर किया है ना, तो फिर आपको भी मानना पड़ेगा, मेरे को भी मानना पड़ेगा ना, यूनाइटेड नेशन का मानना पड़ेगा। मगर हम ये पूछना चाह रहे, आपने 2020 में उनसे मुलाकात की, यही टेररिस्ट से जिसको यूनाइटेड नेशन ने किया, आपने दोहा में उनसे मुलाकात की नहीं की, आप ये हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दोहा में मुलाकात की ना, ये तो आप ही ने रिपोर्ट किया था, आप भूल जा रहे हैं, आपका चैनल पे आपने दिखाया था बड़ा बड़ा। हम ये सवाल तो हम पूछना चाह रहे, हम तो उम्मीद करेंगे कि मोदी सरकार हमको भी दावत देगी, गो हमारे दो MP हैं, मगर हम भी थोड़ा सुनना चाह रहे, बुलाइए हमको भी पार्लियामेंट में। हाँ बोलेंगे नहीं, हम सुनना चाह रहे भाई, वो तो ब्रीफ करेंगे। फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर साहब जो है ब्रीफ करेंगे, सुनना चाहेंगे ना, हमको भी सुनाइए, हम भी ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हैं। जिस प्रकार से भारत अभी अफगानिस्तान से अपने नागरिकों को दूसरों को लेके आ रहा है, बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्या प्रशंसनीय, बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत जरूरी है, लेके आना चाहिए उनको। मगर हम तो ये सोच रहे थे कि वहां पर एयरपोर्ट पे हम एक हिस्सा एक एयरपोर्ट का, जैसा दूसरे एम्बेसीज ने एयरपोर्ट में एक रूम लेकर वहां पर अपना झंडा लगाया अपनी कंट्री का, हम भी लगाना चाहिए था हमको, क्योंकि एयरपोर्ट अमेरिका कंट्रोल में है। अभी भी अगर हमारे कोई नागरिक है तो उनको बिल्कुल निकालना चाहिए। अब एक बात, या आप लोग भूल रहे हैं, जिस जगह से हम यहां बैठकर इंटरव्यू कर रहे हैं, यहां का इंजीनियर को टेररिस्ट ने मार दिया था, हमारा इंजीनियर मारा गया आंध्रा का, तेलंगाना आंध्रा का, जाने दी गई है। तो यही तो हम सवाल पूछना चाह रहे हैं उनसे, आप जवाब ही नहीं सुन, हम सुनना चाह रहे, आप मुझे प्रधानमंत्री बना दे रहे, ये तो गलत बात है ना। मैं तो सत्ता में नहीं हूं, मेरे सवालात करना मेरा काम, मेरा डेमोक्रेटिक राइट है, मगर आपको इतनी तकलीफ क्यों हो रही है बताइए, ये सवालात से। 3 बिलियन आपका भी पैसा है ना उसमें। सर जिस तरह से हालात है अफगानिस्तान, मैडम को सर, जिस तरह से अफगानिस्तान में इस वक्त हालात है, लोग मारे जा रहे हैं, तो उसपे अब क्या भारत को उनसे डरना चाहिए या क्या स्टैंड है? भारत किसी से नहीं डरता, ना डरना चाहिए, क्यों डरना चाहिए हमको, मुल्क है हमें, कंट्री है, डरने की क्या बात है? चीन और पाकिस्तान एक हो गए, अरे भाई डरने की क्या बात है, कोई हो जाए एक हो जाए, हम अगर हम एक हो गए तो 100 एक हो जाए क्या करेंगे, डरने की बात नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है कि तालिबान पाकिस्तान से बहुत करीब है, इससे कोई डिनाई नहीं कर सकता, तालिबान पाकिस्तान से बहुत करीब है, कौन डिनाई करेगा इसको, सब कुछ सारी दुनिया के हर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। तो ये हमको, हम सुनना चाह रहे कि फॉरेन मिनिस्टर साहब क्या ब्रीफ करेंगे अगर हमको बुलाए, नहीं तो फिर आपसे सुन लेंगे। दोस्तों, अगर आपने हमारे YouTube चैनल इशात इस्लाम केराना को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें, शुक्रिया, जजाकल्लाह।